हेलो गाइस, इस वक्त जो मैं वीडियो लेके आया हूँ ना वो है काफी जबरदस्त, क्योंकि इस वजह से क्योंकि ये कंपैरिजन है मुंबई का और कराची का। समझ रहे, मुंबई क्योंकि इंडिया का फाइनेंशियल हब है और कराची जो है वो पाकिस्तान का फाइनेंशियल हब है। बेसिकली मैं खुद कराची का हूँ, तो इसलिए मुझे जो है ना ये बड़ी इंटरेस्टिंग लगी ये वीडियो। तो देखते हैं इसके अंदर इन्होंने क्या कहा है, कैसा क्या किस तरह बताया इन्होंने। लिंक इनका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इनको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहले हम ये वीडियो देखते हैं, उसके बारे में छोटा सा रिव्यू देखेंगे। नताशा दीक्षित। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के दो ऐसे शहर हैं जो कि अपने अपने देशों की आर्थिक धड़कन कहलाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जहाँ मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी है, वहीं कराची पाकिस्तान की। आज हम आपको इन दो बड़े शहरों के बीच के अंतर बताएंगे। एरिया के हिसाब से कराची का एरिया 3,780 किलोमीटर स्क्वायर है, वहीं मुंबई की मेगा सिटी 603 किलोमीटर स्क्वायर और मेट्रो सिटी 4,355 किलोमीटर स्क्वायर है। पॉपुलेशन यानी जनसंख्या के हिसाब से कराची की कुल जनसंख्या 1.5 करोड़ है, वहीं मुंबई की जनसंख्या 2.5 करोड़ है। जीडीपी के हिसाब से कराची की जीडीपी 113 बिलियन डॉलर्स है, वहीं मुंबई की जीडीपी 368 बिलियन डॉलर्स है। आपको बता दें कि कराची की जीडीपी पाकिस्तान की कुल जीडीपी में 60% योगदान करती है, वहीं मुंबई की जीडीपी भारत की कुल जीडीपी में 33% योगदान देती है। डेंसिटी के हिसाब से कराची की 24,000 किलोमीटर स्क्वायर है, वहीं मुंबई की 21,000 किलोमीटर स्क्वायर है। जाति और धर्म के हिसाब से कराची में 96.5% मुस्लिम, 2.49% क्रिश्चियन, 0.86% हिंदू है, वहीं मुंबई में 65.99% हिंदू, 20.65% मुस्लिम, 4.85% बुद्धिस्ट, 4.10% जैन, 3.27% क्रिश्चियन, 0.49% सिख और दूसरे धर्म के लोग रहते हैं। एयरपोर्ट की अगर हम बात करें तो कराची का जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पाकिस्तान का सबसे बिजी एयरपोर्ट माना जाता है, जहां साल में लगभग 62 लाख पैसेंजर्स का आना जाना रहता है। वहीं मुंबई के छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें तो यहां दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाद भारत का दूसरा सबसे बिजीएस्ट एयरपोर्ट है। यहां करीब साल में 4 करोड़ पैसेंजर्स का आना जाना रहता है। दोस्तों, कार्स और बाइक्स की बात करें तो आपको कराची की हर जगह पर होंडा CD70, होंडा CG125, सुपरस्टार 70cc, यूनिक 70cc, यामाहा धूम 70cc, यामाहा जुनून 100cc और हीरो RF70 ज्यादा देखने को मिलेगी। वहीं मुंबई में हीरो स्प्लेंडर प्लस, बजाज पल्सर 150, यामाहा FZ, TVS अपाचे, हीरो पैशन प्रो और दुकाती ज्यादा देखने को मिल सकती है। वहीं कार्स की बात करें तो कराची में सुजुकी महरन, सुजुकी बोलान, टोयोटा कोरोला और होंडा सिविक जैसी कार्स देखने को मिल सकती है। वहीं मुंबई की बात करें तो मारुति डिजायर, मारुति अल्टो, मारुति वितारा ब्रेजा, ऑडी Q8 ज्यादा देखने को मिल सकती है। चलिए दोस्तों, अब कुछ खाने पीने की बात करते हैं। औसतन एक मिनरल वाटर बॉटल मुंबई में 14.7 रुपए की मिलती है, वहीं कराची में लगभग 15 भारतीय रुपए की। एक सस्ते या यूं कह ले नॉर्मल रेस्टोरेंट में एक आदमी का एक वक्त का खाना मुंबई में औसतन 100 रुपए का मिलता है, वहीं कराची में 140 भारतीय रुपए का मिलता है। मैकडॉनल्ड्स की एक मैक मील की बात करें तो औसतन मुंबई में 250 रुपए में मिलती है, वहीं कराची में 306 भारतीय रुपए में मिलता है। अगर दोस्तों आपको कोई फ्लैट खरीदना है तो पर स्क्वायर मीटर रेट भी जान लो। कराची में सिटी के सेंटर में औसतन पर स्क्वायर मीटर 80,000 भारतीय रुपए है, वहीं मुंबई में सिटी के सेंटर में औसतन 8 लाख के करीब है। एवरेज मंथली सैलरी एक पर्सन की टैक्स को हटा के कराची में 16,000 भारतीय रुपए है, वहीं मुंबई में 55,000 रुपए है।
कराची में शहर में ट्रैवल करने के लिए न कोई लोकल ट्रेन्स हैं, न कोई मोनो रेल या न कोई मेट्रो ट्रेन्स हैं। वहीं मुंबई की लोकल ट्रेन्स के बारे में कौन नहीं जानता। मुंबई में लोकल ट्रेन्स और मेट्रोज भी हैं। दोस्तों अब बात करते हैं इन शहरों के घूमने फिरने और कुछ फेमस जगहों की। टूरिस्ट अट्रैक्शंस में मुंबई में जहां आप गेटवे ऑफ इंडिया, बांद्रा वर्ली सी लिंक, गोवर्धन इको विलेज, श्री सिद्धि विनायक, हजी अली दरगाह, माउंट मैरी चर्च, नरीमान पॉइंट, मरीन ड्राइव, कन्हेरी केव्स, कोलाबा, जुहू और चौपाटी बीच, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, हैंगिंग गार्डन्स, शिवाजी पार्क, एडलिब्स इमेजिका, वर्सोवा बीच, भेंडी बाजार या फिर चोर बाजार, होटल ताजमहल पैलेस जा सकते हैं। वहीं कराची में नेशनल म्यूजियम ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान एयरफोर्स म्यूजियम, चूरना आइलैंड, मोहटा पैलेस, कायदे आजम हाउस म्यूजियम, टर्टल बीच, चोखंदी टॉम्स, तूबा मस्जिद, पाकिस्तान मैरीटाइम म्यूजियम, इब्ने कासिम पार्क जा सकते हैं। तो दोस्तों आपको कौन सा शहर बेहतर लगा, मुंबई या फिर कराची? अपने जवाब कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और नीचे दिया गया लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें। असल में बेसिकली वीडियो थी कंपैरिजन पे थी मुंबई और कराची के ना, तो इसलिए उन्होंने आखिर में ये सवाल किया कि आपको कौन सा ज्यादा पसंद आया। देखें बड़ी प्यारी बात यह है कि लग्जरी के हिसाब से तो मुंबई बहुत ज्यादा अच्छा है। आप देख रहे हैं कि वहाँ पे एक कॉमन आदमी की जो तनख्वाह है ना वो 55,000 और यहाँ पे 13,000 समथिंग इन्होंने बताई। तो बाकी सारा गेम ही इनसे शुरू होता है, समझ रहे हैं? पहले तो आपकी पॉकेट से गेम शुरू होता है, उसके बाद फिर आदमी देखता है कि यहाँ पे है क्या, क्या क्या है क्या नहीं है। तो ये बड़ी प्यारी चीज़ मुंबई के अंदर ये है। दूसरा है कि मोटरसाइकिलों के अंदर आपने देखा कि उनकी राइड बड़ी प्यारी है। यहाँ पे कार तो चलें ठीक है, कार के अंदर बहुत अच्छा है कि यहाँ पे भी गाड़ियाँ अच्छी हैं, जो जापानी गाड़ियाँ हैं वो तो बहुत सही हैं। लेकिन ये कि बाकी जो एमिनिटीज़ इन्होंने दिखाई हैं, एयरपोर्ट वगैरह सब कुछ, तो उसमें मुंबई में समझता हूँ कि थोड़ा सा आगे है कराची से। और कराची के रेवेन्यू के अंदर भी मुंबई मेरे ख्याल में 3 गुना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, तो ये बहुत ज़बरदस्त फिगर है। तो मेरा वोट तो मुंबई को जाएगा। मैं खुद कराची का हूँ लेकिन ऑनेस्ट रिव्यू मेरा मुंबई को जाएगा। सीधी सी बात है कि फ़र्क सामने ही जाहिर है। हाँ कुछ चीज़ों में आपने देखा होगा कि कराची ज़रा अच्छा है, ज़रा सा यहाँ पे वो प्लेसेस ज़रा खूबसूरत बना दिए एज़ कम्पेयर टू मुंबई, तो वो काउंट होगा, वो एक चलो एक वो रह गया। लेकिन ओवरऑल मैं बता रहा हूँ ना कि ओवरऑल मैं जब इस वीडियो को देखा तो ओवरऑल मेरा जो वोट है वो मुंबई को ही जाएगा कि वो ही रैंक हायर कर रहा है एज़ कम्पेयर टू कराची। एनीवे गाइस आप लोग बताएं कि आप लोगों को कैसा लगा इस वीडियो को देख के, कुछ जो क्या मैं सही हूँ, क्या आप लोग क्या समझते इस बारे में कमेंट के अंदर बता दें। मैं पढ़ूंगा, एक कमेंट पढ़ता हूँ। चलें टेक केयर, अपना ख्याल रखें, मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।